Hello students, welcome to your biology classes, Daily Info for You. This is the YouTube channel of dailyinfoforyou.com. यहाँ पर साइंस के टॉपिक्स हम आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आपने अपने स्कूल्स के एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अपने स्कोर को बढ़ा सकें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सब टॉपिक होगा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कस करने से पहले आप मुझे बताइए फंगस के बारे में आप क्या जानते हैं। वैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो आपने पढ़ा है, तो आपको बेसिक आइडिया है कि फंगस में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं। सेकेंड, आप मुझे ये बताइए क्या फंगस आपके किसी काम आती है। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम तो ये स्क्रीन पे एक एनिमेशन चल रहा है जिसे देख के आपको ये मालूम जरूर चल जाएगा कि फंगस किस काम आती है। किस चीज का एनिमेशन है ये बता सकते हो? यस, यहाँ पे ब्रेड बनाने की तैयारी हो रही है तो हम फंगस की हेल्प से ब्रेड बना सकते हैं। दिख रहा है ना किस तरह से ये ब्रेड का डो जो है फूल रहा है फंगस की वजह से। तो इसे बनाने के लिए कौन सी फंगस यूज होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है? पिज्जा। आई एम श्योर आप ज्यादातर बच्चे खाते ही होंगे। आपको मालूम है पिज्जा बनाने के लिए भी फंगस यूज होती है। कौन सी फंगस होती है ये भी आगे डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक फंगस और हम लोगों के बीच बहुत फेमस है और सबसे कॉमन फंगस जो हम जानते हैं वो क्या है? मशरूम। बहुत सारे खाने पीने के आइटम, बहुत इंटरेस्टिंग से आइटम्स मशरूम से बनते हैं, पर इसकी डिटेल्स भी हम आगे करेंगे। तो चलिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो फंगस के बारे में हमें जानना है, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन। बेसिक साइंस चीजें तो हम जानते हैं, पर और क्या चीजें इंट्रोडक्शन में चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, फंगस का अक्रेंस। और थर्ड जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है फंगस का स्ट्रक्चर। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई। ओके, फंजाई, इस किंगडम फंजाई को आसानी से समझने के लिए मैंने इसको कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है और वो हैं, आप देख सकते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा ऑक्रेंस, थर्ड इज स्ट्रक्चर। ये तीन पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया, हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, लेकिन इसका न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं फंगस का। तो नेक्स्ट आएगा हमारा वो है इंट्रोडक्शन। फंगस में आप देखते हैं कि ये एक किंगडम है, लेकिन इसमें 1 लाख स्पीशीज तक हो सकती हैं। इमेज में आपको दिख रही होगी कई सारे तरह की फंगस। इस किंगडम में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जो फंगस के मेंबर्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। फंगस हिटरोट्रॉपिक होती है, अपना खाना खुद नहीं बनाती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेती है। और वो किस तरह से लेती है? एनिमल्स की तरह फूड को इंजेस्ट नहीं करती है, वो फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो हम फंगस में बोलते हैं कि इट हैज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि फंगस जो है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं विच हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक और पॉइंट है छोटा सा, जो कि आप ध्यान रखिए कि फंगस की मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत डाइवर्सिटी है। आप देख सकते हैं, देखिए 4-5 तरह की फंगस इस इमेज में हमें दिख रही है, लेकिन सब फंगस देखने में एक दूसरे से कितनी अलग है, क्योंकि ये इनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है मॉर्फोलॉजी को लेके, और ये बहुत अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में होती है। तो इसलिए बोला जाता है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी है। फंगस की अक्रेंस, फंगस होती कहाँ है? कॉस्मोपॉलिटन है भाई, सब जगह पाई जाती है, हर जगह, एवरीवेयर, हर कंट्री में होगी, हर जगह होगी, एवरीवेयर, एयर में होगी, पानी में होगी, मिट्टी में होगी, एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर भी रहती है। जानते हो, इवन ह्यूमन बींग्स को भी कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और
लेकिन एक बात है, जहां पर थोड़ी सी वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस होती हैं, वहां पे फंगस ज्यादा आसानी से ग्रो कर पाती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पे वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ फंगस बहुत आसानी से लग जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हो फर्स्ट इमेज में ब्रेड के ऊपर ये ग्रे कलर के जो स्पॉट्स हैं ये लग रहे हैं, ये क्या है? फंगस। मस्टर्ड के लीफ है सेकेंड इमेज में, जिसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे से आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये फंगस है जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है। और थर्ड में देखो, मैंने स्ट्रॉबेरी लिया, ये स्ट्रॉबेरी मतलब एक फ्रूट के ऊपर भी ये देखिए, पहला वाला तो आपको साफ सुथरा दिखेगा स्ट्रॉबेरी, लेकिन इस सेकेंड स्ट्रॉबेरी में देखिए व्हाइट व्हाइट कलर का क्या लगा है? फंगस। तो इससे आप डिराइव कर सकते हो कि फंगस ब्रेड पे भी लग जाता है, फ्रूट्स पे भी लग जाता है, प्लांट के लीव्स में भी लग जाता है। तो इन शॉर्ट फंगस की जो ऑक्रेंस है सब जगह होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, फंगस के स्ट्रक्चर को लेकर अगर हम बात करें तो फंगस का स्ट्रक्चर जो है छोटे छोटे फिलामेंट से बना होता है, और ये जो फिलामेंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज हाइफी। फंगस के फिलामेंट्स को हम हाइफी बोलते हैं, और ये हाइफी जो है ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होते हैं सेप्टेट हाइफी, दूसरे होते हैं असेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी क्या है कि जहां पर फिलामेंट्स में आपको छोटे छोटे से पार्टीशन दिख रहे हैं ये पार्टीशन, इसी को हम बोलते हैं सेप्टा। तो ऐसा हाइफी जहां पे पार्टीशन होता है दीज आर कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफी, जबकि दूसरे डायग्राम में आप देखेंगे तो किसी तरह का पार्टीशन आपको हाइफी में नहीं दिखता, इसको हम असेप्टेट हाइफी बोलते हैं। लेकिन इस हाइफी में फंगस का अपियरेंस मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है, ऐसा दिख रहा है कि एक ही हाइफा में ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, इस वजह से हम इसे सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। तो व्हाट वी कैन से कि फंगस की हाइफी जो है फिलामेंट से बनी है, विच आर कॉल्ड एज हाइफी। हाइफी इज ऑफ टू टाइप्स, सेप्टेट हाइफा एंड असेप्टेट हाइफी। और असेप्टेट हाइफी को सिनोसिटिक बोलते हैं क्योंकि वो मल्टी न्यूक्लिएट अपियरेंस देता है। फंगस फिलामेंटस होती है, अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन इस किंगडम में एक एक्सेप्शन है, ईस्ट, जो मल्टी सेलुलर नहीं है, फिलामेंटस नहीं है, ये एक ऐसा मेंबर है जो कि यूनिसेलुलर होते हुए भी किंगडम फंजाई में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाँ एक बात बताऊं, यही है वो जो पिज्जा बनाने में या ब्रेड बनाने में काम आता है। ओके, नेक्स्ट, हाइफी के जो बहुत सारा जब नेटवर्क बन जाता है, बहुत सारे हाइफी मिलके जब नेटवर्क बना लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। आप डायग्राम में देख सकते हैं माइसीलियम यानी पूरी फंगस की बॉडी जो कि छोटे छोटे फिलामेंट से बनी है, और इन फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं? हाइफी। तो बिल्कुल अच्छे से ये चीज ध्यान रखिए, फंगस की बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं और ये फिलामेंट से बनी होती है जिसका नाम है हाइफी। लेकिन ईस्ट इसका एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर फंगस होता है। ये हमने अभी पढ़ ही लिया है कि फंगस जो है एक यूकैरियोटिक सेल होती है। इंपॉर्टेंट बात है, फंगस के पास सेल वॉल होती है, जैसे मोनेरा के पास सेल वॉल होती है, प्रोटिस्टा में कुछ के पास होती है, कुछ के पास नहीं होती, बट फंगस के मेंबर्स के पास सेल वॉल होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि फंगस की सेल वॉल बनी किससे है? काइटिन और कुछ पॉलीसेकेराइड्स, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी है। यहां पर हमने खत्म किया अपना फंगस का स्ट्रक्चर। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो मुझसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। फंगस के और ज्यादा डिटेल्स को जानने के लिए मेरे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय।